क्रिएट करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आपका नीच क्या है, आप किस टॉपिक पे काम करना। एक प्रोफेशनल अपना यूनिक नेम रखिए जो कि सर्च में जल्दी से जल्दी आ सके। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैसे आप अपने फ़ोन से एक प्रोफेशनल यूट्यूब चैनल क्रिएट कर सकते हैं। तो यूट्यूब चैनल क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपको ज़रूरी होता है एक फ़ोन और जिससे आप कंटेंट डाल सकते हैं। तो यूट्यूब चैनल क्रिएट करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आपका नीच क्या है, आप किस टॉपिक पे काम करना चाहते हैं, वो जिसमें आपका सबसे ज़्यादा अनुभव हो वो नीच चुनिए। और एक प्रोफेशनल अपना यूनिक नेम रखिए जो कि सर्च में जल्दी से जल्दी आ सके। तो बाकी यूट्यूब पे तो ग्रो होने के लिए लाखों चैनल ग्रो हो रहे हैं। तो बात करें यूट्यूब चैनल नेम की, तो आप यूट्यूब चैनल पे सर्च करके देख लीजिएगा, जो भी आपको लगे कि हाँ ये चैनल यूनिक है वही चैनल नाम डालिएगा। बात करें सोशल मीडिया की, तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ऐसा एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप अपने कंटेंट डाल के बहुत जल्दी अच्छे ग्रो हो सकते हैं, जिससे आपका नेम और फेम और पैसा सब कुछ मिलने लगेगा और आप अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। बहुत सारे क्रिएटर हैं जिनके वीडियो आप देख सकते हैं, बहुत अच्छी जानकारी मिलती है आपको, बहुत अच्छा मोटिवेशन मिलता है। पर जहाँ पर मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि आप कैसे एक अच्छा प्रोफेशनल यूट्यूब चैनल क्रिएट कर सकते हैं, चलिए लेके चलता हूँ मैं आपको अपने मोबाइल फ़ोन की होम स्क्रीन पर। उससे पहले एक ही गुजारिश है कि वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए आपको लेके चलता हूँ मोबाइल। तो दोस्तों देख सकते हैं मैं आ गया हूँ अपने फ़ोन की होम स्क्रीन पर, जहाँ मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप एक यूट्यूब चैनल क्रिएट करके दिखाऊंगा और क्या सेटिंग करनी है सारी कुछ आप लोगों को जानकारी दूंगा इस वीडियो में। ये पहले आपको दिखाते हैं, आपको सीधा चले जाना है यूट्यूब पे। यूट्यूब पे जाने के बाद आपको यहाँ पर क्लिक करना है, जो ऊपर लोगो बना होता है आईडी वाला, उस पर क्लिक करेंगे तो ये सीधा खुल जाएगा आपका यूट्यूब चैनल। वो फोटो लगा सकते हैं। उसके बाद भी सबसे पहले ज़रूरी बात बता देते हैं आपको, अगर आपने ईमेल आईडी नहीं बनाएंगे तो आपके ईमेल के बिना आप यूट्यूब चैनल नहीं क्रिएट कर सकते हैं। तो ईमेल आईडी कैसे बनानी मैं आपको आई बटन में लिंक में दे दूंगा और वहां जाके आप देख लीजिए कैसे आप अपनी ईमेल क्रिएट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आप अपनी पिक्चर लगा सकते हैं और अपने नाम के हिसाब से कैसे आपको नाम डालना है, यूनिक नेम डाल सकते हैं। और आपके नीचे देखिए हैंडल है, जैसा आप नाम डालेंगे उसी हिसाब से यूट्यूब आपको हैंडल देगा, जो कि सर्च करने में मतलब यूट्यूब सर्च में आपका सबसे ज़्यादा काम देता है ये हैंडल, क्योंकि आपका किसी का भी हैंडल आप सर्च करेंगे यूट्यूब पे तो वही हैंडल आपको यूट्यूब डायरेक्ट आपका चैनल खोल देगा। तो वही यूट्यूब हैंडल आपको मिल जाता है, जैसा आप नाम डालेंगे वैसा ही हैंडल मिल जाएगा। उसके बाद देखिए नीचे लिखा है क्रिएट चैनल, उस पर आप जैसे क्लिक करेंगे ये हमारा यूट्यूब चैनल देखिए क्रिएट हो गया। अब हम आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, आप देखिए नीचे लिख रहा है क्रिएट वीडियो, वीडियो नहीं क्रिएट करनी है अभी आपको जो सेटिंग करनी है वो आपको बताते हैं। सीधा आपको लेके चलते हैं क्रोम ब्राउज़र को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद देखिए मैं यहाँ पे मेरा जो चैनल है वो खुल गया है, उसका डैशबोर्ड आ गया है। उसके बाद आप ओपन करेंगे तो उसमें दूसरी तरह दिखेगा, ये कंटेंट नहीं दिखेंगे। तो आपको ऐसे ही सेम टू सेम रहने देना है। सबसे पहले आपको सेटिंग क्या करनी है वो आपको देखना है। तो सबसे नीचे देखिए तो आपको दिखेगा ये सेटिंग वाला सिंबल, ये देखिए सेटिंग वाला सिंबल है, उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका सेटिंग वाला सिंबल खुल जाएगा और इस चैनल में क्या क्या सेटिंग करनी है आपको वो दिख जाएगी वहाँ पर। तो यहाँ पर आप जाके अपना सेटिंग देख सकते हैं और आपको क्या क्या करना है वो मैं आप लोगों को वीडियो में बताता हूँ। सबसे ऊपर है जनरल सेटिंग, जैसे आप अपना पेमेंट लेना चाहेंगे वो आपको सेट करना है। जैसे हमारा है यूएस डॉलर, तो हम यूएस डॉलर में ही पेमेंट अपना उठाएंगे जब भी हमारा मोनेटाइज होगा चैनल। तो अभी तो ये यूएस डॉलर में सेट रहने देना है। उसके बाद आ जाएंगे जनरल में। जनरल में आने के बाद आपको देखेंगे कि यहाँ पर हमने ढेर सारे टैग लगा रखे हैं अपने चैनल के लिए, जैसे आप कीवर्ड जो सर्च किया जाता उसको डाल सकते हैं, या कि मतलब कंट्री पहले सेलेक्ट करेंगे, कंट्री में आप इंडिया से हैं तो इंडिया जो जहाँ जहाँ से भी आप बिलोंग करते हैं उस देश का आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद बाहर का भी सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी उसमें। उसके बाद आता है कीवर्ड, कीवर्ड सर्च में जो है कीवर्ड में आपको क्या डालना है, ऐसे कीवर्ड डालने हैं जो कि आपके चैनल से मिलता जुलता हो, जो कि आप कोई भी सर्च करें आपका चैनल कहीं ना कहीं उस लाइन में आ जाए, ठीक है। तो आपको सर्च करने के लिए आपको वो कीवर्ड ऐसे डालने हैं, या कि मतलब दूसरे के चैनल के भी डाल सकते हैं, जो कि सर्च करेगा तो शायद आपका चैनल वहाँ पे आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं।
तो हमने ये कीवर्ड डाल रखे हैं। देखिए आप भी इसी तरह एक कीवर्ड अपना डाल सकते हैं। उसके बाद आएंगे एडवांस सेटिंग में। एडवांस सेटिंग में है कि आपको देखिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी सेटिंग जो होती है यही होती है, इसको आप ज़रूर एक बार देख लीजिएगा। सेटिंग क्या है जो देख एडवांस सेटिंग में है, देखिए तीन लाइन लिखा हुआ है, तीन टिक हमने बीच वाले पे टिक रखा है। आप इसको एक बार चेक कर लीजिए क्या है। यस, जो मतलब आप कंटेंट बना रहे हैं, जो आपका वीडियो है वो किसके लिए बन रहा है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही होता है। जो आप कंटेंट बना रहे हैं वो है पहला कि पूछ रहा है यूट्यूब कि आप अपना कंटेंट किसके लिए बना रहे हैं। यू बच्चों के लिए, यस सेट द चैनल मेड फॉर किड्स, मतलब ये बच्चों के लिए बन रहा है आपका चैनल मतलब वीडियो, तो आपको बच्चों के लिए बनाना नहीं है। बच्चों के लिए बनाएंगे तो उस पर व्यू आने के चांसेस बहुत कम रहते हैं, तो उसको आपको नहीं करना है। दूसरा वाला है नो सेट दिस चैनल नॉट मेड फॉर किड्स, ये बच्चों के लिए नहीं बना है, तो आपको इसी पे क्लिक करना है कि ये चैनल हमारा जो है बच्चों के लिए नहीं बना है। और तीसरा वाला जो है वो है आई वॉन्ट रिव्यू दिस सेटिंग फॉर एवरी वीडियो, मतलब ये वाला सेटिंग सेट करेंगे तो आप जब भी वीडियो अपलोड करेंगे वो पूछेगा आपको कि वीडियो जो है बच्चों के लिए बना रहे हैं या कि इसके लिए, तो उसको आपको नो वाले पे करेंगे ज़्यादा बेटर रहेगा। उसके आगे है सेटिंग जो है, बस इसके अलावा अब एडवांस सेटिंग नहीं है। फैसिलिटी फीचर एलिजिबिलिटी में जाएंगे, इसमें इनेबल जो है इनेबल सारे इनेबल कर देने हैं। उसके बाद यहाँ पे कर देना है सेव, ठीक है सेव कर देंगे। उसके बाद सीधा बैक आ जाएंगे अपलोड डिटेल्स, अब इस वाले को चेक कर लेते हैं। इसमें डिटेल क्या है, बेसिक इन्फॉर्मेशन मतलब जो भी आप इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं अपने चैनल के माध्यम से उसको फिल कर सकते हैं। उसके बाद जो अपना बायोडाटा डाल सकते हैं, मतलब डिस्क्रिप्शन को है, क्या है अपना बायोडाटा लिख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। उसके बाद विजिबिलिटी क्या होगी, पब्लिश होगी मतलब पब्लिश कर सकते हैं, या मतलब अपना जो लिखे उसको प्राइवेट भी कर सकते हैं या कि अनलिस्टेड भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ अनलिस्टेड कर देंगे तो जो आप लिखेंगे इसमें यहाँ पर कहीं कोई किसी को दिखेगा नहीं, और पब्लिश कर देंगे सब हर कोई देख सकता है आपका बायोडाटा जो भी आप लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद ये नीचे आ गया टैग्स, मतलब टैग्स में इसमें क्या है कि जो भी आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, मान लीजिए आप टैग कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आप सिर्फ अपने बड़े वाले चैनल का या अपने चैनल का सारा नाम यहाँ पर दे देंगे टैग बना के, उससे क्या है सर्च मारने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं, ठीक है। उसके बाद आ गया एडवांस में क्या है, आप देखिए आप लैंग्वेज सेट कर सकते हैं किस लैंग्वेज में वीडियो बना रहे हैं, अलाउ का कमेंट कर सकते हैं मतलब कमेंट जो आएंगे आपको दिखना है कि नहीं दिखना है, पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है, यहाँ से बंद कर सकते हैं चालू कर सकते हैं कमेंट को भी। और कैटेगरी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कैटेगरी होती है, कैटेगरी को आपको सेलेक्ट करना है कौन सी कैटेगरी का आपका चैनल है, ये वाला आपको सेलेक्ट करना है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है कि आपको कैटेगरी ज़रूर सेलेक्ट करनी है कि कैटेगरी किस कैटेगरी का आपको आपका चैनल बन रहा है, तो उसको आपको सेलेक्ट करना है। तो जैसे हमने साइंस एंड टेक्नोलॉजी, हमने टेक्नोलॉजी के लिए हमारा यूट्यूब चैनल है तो मैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी से सेलेक्ट कर रखा हूँ, ठीक है। उसके बाद आपको कैप्शन में कर देंगे, उसके बाद कर देंगे सेव, ठीक है ये हो गया आपका। उसके बाद आता है परमिशन, परमिशन में क्या है नहीं इसको छोड़ देंगे। उसके बाद आएंगे कम्युनिटी, कम्युनिटी में क्या है कि आपको यहाँ से मेंबर जोड़ सकते हैं आप, ये कोई ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि मतलब अपना जो है बड़ा चैनल हो गया कई लोग मैनेज कर यूट्यूब चैनल को, ठीक है। उसके बाद डिफ़ॉल्ट में आएंगे कमेंट योर चैनल, जो आपके चैनल में कमेंट आएंगे उसको आप देखना है कि नहीं देखना है, होल्ड करना है, जो भी आप सेट करेंगे यहाँ पे सेट हो जाए। उसके बाद एडवर्टाइजमेंट हो गया, ये वाला कोई है ही नहीं। सब कुछ करने के बाद सीधा आप नीचे देखेंगे तो ये हो जाएगा सेव का ऑप्शन, यहाँ पे सेव कर देंगे, आपका सारा डिटेल जो है सेव हो जाएगा। ये हो गई आपकी सेटिंग। उसके आप चाहें तो यहीं से वीडियो भी अपलोड कर सकते हैं, या कि जितने भी हैं कैटेगरी, ये देखिए डैशबोर्ड है आपका चैनल लोगो है, और वीडियो अपलोड करने के लिए आप यहाँ पे क्लिक करिए क्रिएट पे। उसके बाद लाइव आना चाहते हैं, अपलोड वीडियो करना चाहते हैं, जो भी करना चाहते हैं यहाँ से कर सकते हैं। आई होप कि वीडियो आपको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।